सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम हर्षित राजपाल, आप देख रहे हैं फूडिया बनती। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में, और मैंने कहा नया साल आ गया है, लोगों के बैचेस दोबारा से स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर कोई भी कॉलेज में आएगा तो उसको खाना चाहिए होगा। और आज तक मैं नॉर्थ कैंपस तो कभी नहीं आया, फॉरगेट नॉर्थ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी नहीं आया, सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। यहाँ पर जितने अमेजिंग फूड स्टॉल्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसमें से काफ़ी कुछ हम कवर करें, जितने भी टॉप रेटेड यहाँ पर कैफेज़ या फिर आप कह सकते हो स्ट्रीट फूड स्टॉल्स हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ मैपिंग मेट्रो सराउंडिंग्स एपिसोड नंबर 9। दिस एरिया इज़ सुपर क्लोज टू विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन एज द नेम स्टेट्स, एंड विद मी आर दीज टू पीपल जो कि अभी फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजी हो रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। These two creatures. Let me introduce these two creatures. He is Mr. Karthik Sharma. He is मुझसे 2 साल junior है. He is in my college and इसे आप सब जानते हो. Hello people. He's been in 3 to 4 videos already. His name is Mr. Ramanuj Vashisht. Also known as Ram Manoj Vashisht. अभी अभी रामू ने YouTube पर एक बहुत amazing channel खोला है where he talks about street plays, नुक्कड़ नाटक, acting. तो डेफिनेटली चेक आउट लाइट्स कैमरा एक्टिंग, प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू इट एंड लाइक द वीडियोस एज वेल। तो हमारे पीछे अभी डेमोक्रेसी वॉल है, ये हमारे बापू की फोटो। अभी हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे ओवर टू दैट साइड, एंड इस जगह का नाम है सुदामा टी स्टॉल। तो सर्दी इतनी हो रही है, आज चाय से शुरुआत करेंगे, बहुत अमेजिंग दिन रहने वाला है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, चलते रहते। देयर आर सो मेनी टी स्टॉल्स इन दिस होल एरिया। दिस प्लेस इज सो फेमस फॉर टी स्टॉल्स एंड मैगी पॉइंट्स ओनली। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि काफ़ी पुरानी भी हैं, काफ़ी फेमस भी हैं। हम ट्राई करेंगे कि आज सिर्फ वहाँ पर जाएं और अच्छे से आपको दिखाएं एक एक चीज़ कैसे प्रिपेयर होती है। तो ये हमने 2 कुल्हड़ वाली चाय ले ली। कार्तिक डजंट ड्रिंक टी, लेकिन फिर भी इसको हमने दे दिया थोड़ा सा, ऐसी दे दिया, ले ले यार, ले ले भाई है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और तो बताते हैं इसकी पीछे की कहानी शेयर करूंगा अपनी भी। बहुत स्वाद इलायची वाली चाय है, सर्दी की सुबह में अगर आप गरम गरम चाय पी रहे हो, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया ये पी के। हाँ तो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा स्वीट का चैनल है स्ट्रीट थिएटर का, तो स्ट्रीट प्ले के उससे मेरा यहाँ पे बहुत आना हुआ पिछले सालों में। दिस वॉज द पॉइंट जहाँ पे हमने खूब चाय पी है, एंड दैट्स द रीज़न आई गॉट हिम हियर टुडे कि भाई यहाँ पे आके एक बार इसकी ब्लॉगिंग कर, बिकॉज ये चाय इज़ लाइक द बेस्ट चाय एनीवन कैन एवर हैव। सही में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर इतने चाय के पॉइंट्स आपको देखेंगे, इतने फूड स्टॉल्स हैं। एक्चुअली लेकिन वन टी पॉइंट दैट स्टैंड्स आउट ऑन एवरी ब्लॉग, हर जगह, हर यूट्यूब वीडियो पर इज सुदामा टी स्टॉल, जो कि हमारे जस्ट पीछे है। और दिस चाय इज़ रियली अमेजिंग। इसके अंदर दूध अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में, एंड इलायची भर भर के, सो आई रियली लाइक इट। कुल्हड़ में बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है इसका फ्लेवर, और जो इलायची का फ्लेवर होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है मेरे हिसाब से। मैं पहली बार चाय पी रहा हूँ और ट्रस्ट मी, आज के बाद दोबारा आई डेफिनेटली कम ओवर हियर एंड ट्राई इट अगेन। ये पहली बार चाय पी नहीं था, मतलब पूरी जिंदगी में तूने कभी चाय नहीं पी? पहली बार है, फर्स्ट टाइम, कसम से, दिस इज द फर्स्ट टाइम। सर जी हमारे साथ खड़े हैं सुदामा टी स्टॉल के ओनर। सर आप कैसे हो? आप कितने बजे आ जाते हो सर यहाँ पर सुबह? मैं 11:30 बजे। 11:30 बजे, और ये सुदामा आपका नाम है? हमारा भाई का नाम। आपके भाई का नाम है, तो वो यहाँ पर नहीं आते टी स्टॉल? नहीं आते, अभी आए थे, चले गए, तो आएंगे 4 बजे। अच्छा अच्छा सर, बहुत अमेजिंग चाय है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सर, यहाँ पर आपने हमें शूट करने दिया। और कुल्हड़ में जो चाय आपने पिलाई है सुबह सुबह, मतलब एनर्जी फुल भर गई है। अभी आगे जाएंगे तो याद करेंगे ये चाय हमने पी थी एक बार। तो तूने कभी चाय नहीं पी है? नोप, जिंदगी में दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है तेरे? 22 साल हो गए ना तेरे को? 20 साल? 20 साल नो चाय, व्हाट द हेल, तू कैसे जिंदा है? क्या पीते तू? कॉफी की रिप्लेसमेंट मिल गई। Thank you.
ये काठी किस चीज़ से बनी हुई है? सोयाबीन पनीर शिमला मिर्च। सोयाबीन पनीर शिमला मिर्च, अच्छा मिक्सचर है। खाना दे रहा है इतना हासिल है, खाना बहुत हासिल है। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये दिस इज काठी, ये रुमाली रोटी और ये साथ में इसके सैलड। तो देखने में इतना अमेजिंग लग रहा है। अच्छा प्योर वेज है, इसके अंदर चिकन नहीं है। आई एज अपोज टू काठी, जब हम नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि नॉन वेज है या वेज है। दिस होल प्लेस इज प्योर वेजिटेरियन। रामानुज इज ड्रूलिंग ऑलरेडी, इसके मुँह से पानी आ रहा है। तो आइए टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे। लग गया, नो शेयरिंग। ये पूरी एक गिराई जिसमें सोयाबीन पनीर शिमला मिर्च सब मेरे मुंह में जाने वाला है। प्लीज जेलस मत होना। चाप का फ्लेवर आ रहा है और साथ में जो मिक्स वेज के एलिमेंट पूरा ऐसा पूरा फील दे रहा है जैसे आपने कभी काठी रोल खाया होगा, जो सेम है ग्रेवी में साथ में रुमाली रोटी। और 110 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन क्या अमेजिंग चीज़ है ये। मज़ा आ रहा है संडे को दिन चाय पीने के बाद 1.5 किलोमीटर हम चल कर यहाँ पर गए। तो दिस इज़ वर्थ इट। टेम्परेचर चल रहा है 2.4-3.4 ऐसा रात में, और ऐसी सर्दी में मक्के की रोटी और सरसों का साग अगर आपने नहीं खाया तो कैसे इंसान कह रहा है। अब आप दिल्ली वाले ही नहीं हो, मैं तो कह रहा हूँ। तो हमने ले लिया मक्के की रोटी साथ में ये सरसों का साग, उसके ऊपर ये बटर ऐसा तैरता हुआ इतना बढ़िया सा, साथ में इन्होंने ये गुड़ के पीसेस लिए। तो ये प्योर पंजाबी यहाँ पे थाली मेरे को लग रही है, क्योंकि मक्के की रोटी सरसों के साग के बाद जो गुड़ है वो उसका टेस्ट डबल ट्रिपल कर देता है। तो और टेस्ट करके इसको बताते हैं कि कैसा है। रामानुज मेरे को जिस नज़र से देख रहा है अभी क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन थी एक्चुअली। जो बटर का टेस्ट साग के ऊपर डाल के आ रहा है साथ में ये मक्के की रोटी, लेट मी टेल यू प्रीमियम फील्स दे रहा है। ओके गुड, ही कांट वेट। बीइंग अ पंजाबी आई कैन टेल यू दिस साग इज सो कूल। घर पे मम्मियाँ बनाती हैं हमारे जो साग, वैसा साग लग रहा है ये। बहुत फाइन ग्रेटेड, बिल्कुल भी खारा नहीं है, एकदम परफेक्ट स्पाइस है इसके अंदर, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा कम तीखा, नमक एकदम परफेक्ट है। एंड जो ये मक्की की रोटी है तंदूर से निकली है, मज़ा ही आ गया इसको खा के। 10/10 में तो दूंगा इसे डेफिनेटली। ये चीज़ यहाँ पर ट्राई ज़रूर करना सर्दियों में। स्टाफ इज सो पोलाइट कि उन्होंने बिना गए हमें ये चिली चाप और चिली पनीर दे दिया। लुक एट दीज टू प्लेट्स, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, पूरा कोरिएंडर से काट देख के मैं रुक नहीं पा रहा हूँ और भूखा आया बेचारा सुबह सुबह। तो ये पकड़िए, एक चम्मच तू ले, एक मैं लेता हूँ। मैं ट्राई करूँगा चिली चाप, मैं कब करूँगा चिली पनीर, वो अभी मक्की की रोटी खा तो आराम से खा कैसे रुक जाओ। पहले लगा लेते हैं, अच्छे से रेडी करते हैं इसको। नहीं होगा तो मैं ना, मुझे जेलस हो रहा है। मच लाइक द व्यूअर्स 2-1 पनीर इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और चिली एकदम परफेक्ट अमाउंट में डाली हुई है, ना ज़्यादा स्पाइसी और ना ज़्यादा मतलब कम भी नहीं। अच्छा मैंने चिली पनीर अभी तक टेस्ट नहीं किया, बट आई कैन टेल यू अबाउट दिस चिली चाप, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। साथ में जो एक चीज़ मैंने नोट करी,
बहुत जगह पर आप जब चाप खाओगे तो वो मैदे से बनी होगी, लेकिन दिस थिंग इज सोयाबीन एंड आई कैन फील इट कि दिस इज सोयाबीन, साथ में मेयो और ये चिली सॉस लगा के परफेक्ट. जो क्रंच आ रहा ना बाहर सरफेस कवरिंग का, क्रंच काफ़ी बहुत अच्छा क्रंच और टेस्ट भी ओवरऑल मुझे बहुत सही लगा. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way. So we are at stop number 3 for the day. This is Gopal Sweets and हमने ये गरम गरम तड़कता भड़कता सा गुलाब जामुन यहाँ पर लिया जो कि already आधा खत्म हो चुका है. Bro, how's the taste, Ramanuj? It's fab, man. ठंड में गरम गरम गुलाब जामुन unbeatable. Any time ठंड में खाओ. वो भी छोटे वाला नहीं, काफी बड़े वाला, लंबे वाला. हाँ. And the best part is ये बहुत soft भी है भाई. इसमें जाते हैं तो बोल रहे हैं. अरे ये हमारी सेकंड डिश रबड़ी फलूदा. रबड़ी है, बहुत मीठी है. अच्छा नहीं हो रहा है यार. लाइक द रबड़ी फलूदा. एक रबड़ी फलूदा हमने खाया था कृष्ण नगर में, जीता गुल्फी वाला उसके नाम से. और एक रबड़ी फलूदा ये है, मतलब दोनों कंपेरेबल है, दोनों अच्छे हैं. ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मीठा लगा, बट द टेस्ट इज रियली अमेजिंग. कहाँ पे जाएंगे? इसका फोटो ले लियो. थैंक यू. तो फाइनली द थिंग जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, दिस अमेजिंग प्लेट ऑफ जलेबी. इसे देखो, आइए इसको टेस्ट करते हैं. बहुत गर्म गरम गरम मीठा. सर्दियों में मज़ा आया, बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट, जैसा का होना जैसे कि होने चाहिए. अभी वैसा वेदर चल रहा है दिल्ली में कि तीन तीन जैकेट हमने डाली हुई हैं, और ऐसे वेदर में जलेबी विद गुलाब जामुन, इससे बढ़िया आपका दिन कभी एंड नहीं हो सकता. तो डेफिनेटली यहाँ पर आओ, दिस इज अ मस्ट ट्राई. आई डेफिनेटली रिकमेंड जलेबी है. दिस इज शर्मा कचौड़ी. 25 रुपए की 5 पीस कचौड़ी मिली आपको, आप देख सकते हो. शर्मा जी के साथ शर्मा कचौड़ी. इसका कचौड़ी के अंदर फीलिंग बिल्कुल नहीं है, मतलब जैसे मट्टी टाइप, मुझे तो मट्टी जैसी कचौड़ी लग रही है. रामानुज इज नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी एज वेल, बट मैंने सुना है, बहुत तारीफ सुनी है मैंने. आए दिन ब्लॉगर्स आते रहते हैं. लेट मी जस्ट ट्राई कि कैसा है ये. थोड़ा सा इसको डिप करके इसमें. इट्स अ परफेक्ट स्नैक अगर आप चाय पी रहे हो, साथ में आपकी ये है. योर टेस्ट में इट इज नथिंग लाइक के, हाँ मतलब ऐसा नहीं है बाकी कचौड़ी जैसा नहीं है, उसके अंदर फीलिंग होती है, थोड़ा सा क्वालिटी बेटर है. लेकिन 25 में आपको 5 पीस भी मिल रहे हैं, कंसिडर दैट एज वेल. आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन. अगर आपके पास चाय हो, आप घूमने निकले हो, कमला नगर आए हो, इसे ट्राई करो. एक चीज़ जिसको लेके मैं बहुत स्केप्टिक था वो थी इसकी सब्जी. सब्जी लेट मी टेल यू, सब्जी इज़ गुड, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ी सी पतली ज़रूर है, बट ये एकदम परफेक्ट स्पाइस ब्लेंड है इसके अंदर. इट यहाँ पर आ सकते हो आप. इट्स नॉट अ 10/10, बट आई फाउंड इट वेरी हार्ट वार्मिंग. गुड माउथ टू. नहीं खुल रहा है अभी. ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं एंड हम 3 बजे आए थे यहाँ पे, ये शॉप बंद थी, तो संडे को 4 बजे खुलता है. दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग मैगी इन होल ऑफ दिल्ली. दिस इज़ टॉम अंकल मैगी पॉइंट. हमने ऑर्डर करा है,
मसाला मैगी नहीं, चीज़ मैगी भी नहीं, सबसे महंगी वाली मैगी, सबसे महंगी तंदूरी सॉस मैगी वो आ रही है। आपको दिखाते हैं पहले प्रिपेयर कैसा हो रहा है, उसके बाद दिखाएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। मसाला तंदूरी सॉस चीज मैगी मसाला सर मीडियम स्पाइसी सारी होती है। नहीं नहीं वो नॉर्मल तो मैगी खाता भी है बच्चा, नॉर्मल जो मसाला डालता है वो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सब स्पाइसी होता है। और आपको स्पाइसी कम चाहिए? बिल्कुल 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 कम हो, पर चीज़ हो जिसमें चीज़ और बटर भी चाहिए और चीज़ है, चीज़ चाहिए सिर्फ आपको? हाँ चीज़ चीज़ चलो, वेजिटेबल वगैरह कुछ? तो ये हमारे पास तंदूरी सॉस चीज़ मैगी, सबसे अमीर मैगी है जो यहाँ की। एंड रामानुज हैज ऑलरेडी टेस्टेड इट, लेकिन अभी आपको बताएगा ये कैसा है। एज द नेम गोज की तंदूरी मैगी जस्टिफाई कर रही है उसको परफेक्टली, बाकी इंग्रेडिएंट्स का मेरे को आइडिया नहीं है, बट ओवरऑल अगर टेस्ट की बात करूँ तो यार टेस्ट इज सो गुड। मसाला मैगी, उसके ऊपर ये तंदूरी सॉस भर भर के, उसके ऊपर चीज एकदम फुली लोडेड, ये क्रेजी सा इन्होंने एक मिक्सचर बना दिया। चीज तो बची नहीं, चीज रामानुज साफ कर गया पूरा ऊपर से। अरे रियली लाइक द मैगी है, ओनली थिंग इज इट इज थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब 100 रुपीज़ के हिसाब से ये क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी कम लगी, और जगह हमने खाई है काफ़ी भर भर के क्वांटिटी देते हैं, बट ओवरऑल अगर टेस्ट की बात करा जाए तो टेस्ट अमेजिंग है, वन ऑफ द बेस्ट मैगीज आई हैव एवर हैड इन दिल्ली। एंड रामानुज इज सो बिजी विद हिज मैगी वो खो चुका है, जैसे 5 स्टार की एड आती थी, बट इट इज़ सो अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आप यहाँ पर आओ, नॉर्थ कैंपस के आप कभी भी पास हो, डेफिनेटली ट्राई करो, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मस्ट ट्राइज। अब किसी से भी पूछोगे कि टॉम अंकल मैगी पॉइंट कहाँ पर है, वो आपको डायरेक्ट बता देगा। तो दिस इज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस प्लेस हियर, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही हम आपको दिखा पाए, नॉर्थ कैंपस बहुत बड़ा है, यहाँ पर इतने सारे फूड स्पॉट्स हैं कि एक दिन में कवर करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे, इसका पार्ट टू ज़रूर बनेगा, जितनी चीज़ें हमने छोड़ी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गिव मी अ थम्स अप, कमेंट कर दो, हाँ थैंक यू रामानुज एंड कार्तिक फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, वो घंटी दबा दो छोटी सी साथ में। अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे और किसी मेट्रो स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस, जय हिंद जय हिंद।